मित्रों कलयुग के अंत को लेकर आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी लेकिन क्या आपको ये पता है कि नंदीदेव की एक ऐसी मूर्ति है जो इस संसार में महाप्रलय की वजह बनेगी अब वो वजह क्या है आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में और मित्रों ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने अब मित्रों बता दे की आदि देव शंकर जी का वाहन नंदी देव कलियुग में आने वाली महाप्रलय की चेतावनी दे सकते हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना भगवान शंकर के प्रिय वाहन नंदी लगातार कई वर्षों से आने वाली प्रलय की सूचना दे रहे हैं लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे और कहां? तो दरअसल हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में बने उमा महेश्वरी मंदिर में स्थित नंदी देव की मूर्ति संसार के सर्वनाश का संकेत दे रही है और इस मंदिर में नंदी जी की एक ऐसी चमत्कारी मूर्ति है जिसका आकार लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसी मान्यता है की हर बीस वर्षो में नंदी जी की मूर्ति का आकार एक इंच बढ़ जाता है पहले इस प्रतिमा का आकार इतना छोटा था की कोई भी मनुष्य आसान से नंदी देव की परिक्रमा करके उनकी पूजा कर लेता था लेकिन अब इसका आकार बढ़कर इतना बड़ा हो चुका है कि मंदिर परिसर भी इसके लिए छोटा पड़ रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं नंदी के बढ़ते आकार के चलते इस मंदिर में बने स्तंभ भी खंडित होते जा रहे हैं मान्यताओं की माने तो कलयुग में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन नंदी महाराज की ये मूर्ति अपने आप जीवित हो उठेगी और नंदी महाराज इस संसार के सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे मित्रों ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कलयुग का भी आखिरी दिन होगा और नंदी की इस मूर्ति में प्राण आने से धरती पर महाप्रलय आ जाएगी हालांकि ऐसा कब होगा इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है वहीं वैज्ञानिकों की कई टीमें भी इस मूर्ति पर शोध कर चुकी हैं और उन्होंने अपने शोध में ये पाया कि नंदी देव की ये मूर्ति एक खास तरह के अनोखे पत्थर से बनी है और तो और वो पत्थर समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है और मित्रों इसी कारण इस मूर्ति का आकार भी बढ़ता जा रहा है इसके अलावा नंदी देव की प्रतिमा से जुड़ी एक और दिलचस्प बात सुनने को मिलती है इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि यांगती उमा महेश श्वर मंदिर के परिसर में एक छोटा सा तालाब है जिसे पुष्करिणी तालाब के नाम से जानते हैं और इस पुष्करणी कुंड में नदी के मुंह से लगातार जल गिरता रहता है लेकिन कई कोशिशें करने के बाद भी आज तक कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया कि कुंड में ये जल आखिर आता कहाँ से है यहाँ आकर वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए है और मान्यता है की इस कुंड में नहाने के बाद ही ऋषि अगस्त ने भगवान महादेव की पूजा की थी और फिर भोले शिव और नंदी जी की मूर्ति को स्थापित किया गया साथ ही एक मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में कभी कौए नहीं आते बाकी के सभी पक्षी तो यहाँ देखने को मिल जाते हैं लेकिन इस मंदिर परिसर में आपको एक भी कौआ नहीं दिखेगा और मित्रों इसके पीछे का कारण ये है कि जब ऋषि अगस्त यहाँ तपस्या कर रहे थे तब कौ ने उनकी तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की तब कऊ ने उनकी तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की जिस कारण अगस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि अब से वो मंदिर के प्रांगण में कभी नहीं आ सकेंगे वैसे मित्रों आपको बता दें कि सिर्फ नंदी की ये बढ़ती हुई मूर्ति ही कलियुग के अंत की चेतावनी नहीं दे रही बल्कि एक ऐसा शिवलिंग भी है जो कलयुग के अंत की ओर संकेत कर रहा है अब हमारे देश में बहुत से स्वयंभू शिवलिंग हैं, जिनका आकार कभी बढ़ता तो कभी घटता है लेकिन इनमें से एक शिवलिंग ऐसा भी है जो महाप्रलय के संकेत देता है और मित्रों आपको बता दें कि ये मंदिर है गुजरात का मृदेश्वर मंदिर जहाँ का शिवलिंग अपने बढ़ते आकार के साथ दुनिया के सर्वनाश का संकेत देता है मान्यता है की इस मंदिर के शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग में बढ़ते पापों की निशानी है और सभी मानते हैं की जिस दिन ये शिवलिंग साढ़े फुट ऐसी ऊंचा कर, मंदिर की छत को छुएगा उस दिन कलयुग अपने आखिरी चरम पर पहुंच जाएगा लेकिन मित्रों सोचने वाली बात है कि ऐसा होने में अभी ना जाने कितना समय बचा है पहले तो आप ये जान ले कि इस शिवलिंग का आकार एक साल में चावल के दाने के बराबर धीरे धीरे बढ़ता है तो अगर इसके बढ़ने की रफ्तार को देखा जाए तो इसके मंदिर परिसर की छत को छूने में अभी न जाने कितने लाखों साल का वक्त लगे और इतना ही नहीं इस मृदेश्वर शिवलिंग की एक और खास बात है कहा जाता है की यहाँ खुद ऐसी ही पानी की धारा निकलती है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस जलधारा पर गर्मी या सर्दी किसी भी तरह के मौसम का कोई असर नहीं पड़ता और तो और वैज्ञानिक भी इसके पीछे के कारण का पता नहीं लगा पाए तो मित्रों आज हमने जाना नंदी देव की उस मूर्ति के बारे में जो बनेगी संसार में महाप्रलय की वजह तो अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही अब इजाजत दें आपका बहुत बहुत शुक्रिया